जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं, भाषण करते हैं, वो कहते हैं कि सबको हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, और खास तौर से आदिवासियों को कहते हैं कि आप लोग हिंदी पढ़िए, हिंदी सीखिए, मगर अंग्रेजी मत सीखिए, अंग्रेजी मत पढ़िए। भाई और बहनों, आप जानते हो इसके पीछे इनकी सोच क्या है। आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछिए, अगली बार आपके पास आएंगे पूछना, आप हमें कहते हो कि हमें हिंदी बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। आप हमें बताओ, आपके बेटे कौन से, आपके बच्चे बेटे बेटियां कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं? और सारे के सारे बीजेपी के बेटे, बीजेपी के नेताओं के बेटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, और आदिवासियों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते हैं। इसके पीछे सोच है। देखिए, हिंदी की जगह है, मध्य प्रदेश में आप रहते हैं, यहां पे हिंदी की जरूरत है। आप दिल्ली जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, वहां व्यापार करेंगे, हिंदी चलेगी। मगर अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेशी कंपनी में काम करना चाहते हो, कॉल सेंटर में काम करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो अंग्रेजी से ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी लेकर पूरी दुनिया में बातचीत कर सकते हो, पूरी दुनिया में व्यापार कर सकते हो, पूरी दुनिया में जा सकते हो। तो कांग्रेस पार्टी के सब नेता कहते हैं, आदिवासियों से कहते हैं, हिंदी सीखो, हिंदी पढ़ो, मगर अंग्रेजी भी सीखो, अंग्रेजी पढ़ना भी सीखो, अंग्रेजी लिखना भी सीखो। और बीजेपी वाले लोग कहते हैं, नहीं, आदिवासियों को जंगल में रहना है, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लॉयर नहीं बनना चाहिए। ये फर्क है हमारी विचारधारा में, उनकी विचारधारा में। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा बड़े से बड़ा सपना देख पाए और उसका पूरा सपना पूरा हो। वो चाहते हैं आप वनवासी हो, जंगल में रहो, जंगल के बाहर मत। ये लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और मैं यहां आपको मैसेज देना आया हूं, आप आदिवासी हो, आपका जमीन का हक है, जंगल का हक है, जल का हक है, और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई आपके लिए लड़ के आपका जो बनता है, आपका जो हक है, वो आपको पूरा करके देगी। एमपी में भाजपा ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा दी, लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के एक महाज्ञानी इन दिनों भोपाल में, मध्य प्रदेश में आते रहते हैं। उन महाज्ञानी जो बोलते हैं आपने सुना होगा। मैं जरा आपसे पूछता हूं भाई, मैं यहां पर जो आप लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी पढ़ाई अंग्रेजी भाषा में हुई है? कितने लोग हैं? मुश्किल से 4-5 हाथ उठे, मुश्किल से 4-5। ये कांग्रेस को 50 साल देश में राज करने का मौका मिला और पंचायत से पार्लियामेंट तक
उन्हीं का राज चलता था और यहां पर अंग्रेजी जानने वाले, अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले 5 लोग मुझे नजर आ रहे हैं। क्या भाजपा सरकार ने कहीं पर भी अंग्रेजी की स्कूल को ताला लगाया है क्या? कहीं ताला लगाया है क्या? इनके नाना, उनके पिता, उनकी दादी, किसी ने भी शुरू की होगी कि हमने ताला लगाया क्या? तो उन्होंने आपकी चिंता की थी क्या कभी? एक तो अंग्रेजी में पढ़ाया नहीं और इंजीनियरिंग मेडिकल पढ़ना है तो अंग्रेजी के बिना पढ़ नहीं सकते क्या? मेरे गरीब मां का बेटा, मेरे गरीब मां की बेटी क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाई इसलिए डॉक्टर नहीं बन सकती है क्या? बन सकते कि नहीं बन सकती है? अगर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसको डॉक्टर बनने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको अगर इंजीनियर बनना है तो अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये सब दरवाजे आपके लिए बंद करके बैठे थे। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। ₹500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000002414 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।